नमस्ते, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं दिनाक्षर। आज का जो विषय है, इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात दरअसल ये है कि आज से एवरी सैटरडे को, एज आई सेड, कि करंट अफेयर्स की डिस्कशंस होंगी इसी चैनल के प्लेटफॉर्म पे फॉर यूपीएससी एंड डब्ल्यूबीसीएस या पीसीएस की एग्जामिनेशन जो लोग देना चाहते हैं इस साल 2021 में। उसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट यह है कि एवरी सैटरडे को हम लोग विश्व के उन तमाम क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करेंगे, उन टॉपिक्स को समझने की, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे जिनके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो अपनी कंसर्न शो कर रही है। फॉर एग्जांपल, यूक्रेन के ऊपर जो भी इश्यूज हैं, या मिडिल ईस्ट के इक्विलिब्रियम को लेकर के जो भी कोई लोग बातें चल रही हैं, मिडिल ईस्ट को लेकर अगर कोई इशू है, या अफगानिस्तान इशू को लेकर कुछ अगर डिस्कशन पे वर्ल्ड कंसर्न है, तो या मान लीजिए सर्वेलेंस स्टेट की तरफ हम लोग वापस जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इसराइल पैलेस्टीनियन इशू के ऊपर, तो ऐसे तमाम इश्यूज हैं ग्लोबली जिसके ऊपर पूरी की पूरी विश्व जो है वो कंसर्न शो कर रही है। तो हम लोग एवरी सैटरडे ऐसे कोई एक इशू को इस चैनल पर डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं आज का विषय। इस वीडियो के बाद आपको तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब आपको करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोडेड मिलेगी, लेकिन ये जो वीडियो है, ये पर्टिकुलर वीडियो इस टॉपिक को डील करता है जिसके ऊपर पूरी की पूरी दुनिया में अलग अलग देश अपने अपने विचार प्रकट कर चुका है। इनफैक्ट ऐसा भी है कि एक ही देश में दो अलग अलग मत भेद हो गए हैं इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। क्या कोई गेस कर सकता है? इशू जो है वो है इसराइल और पैलेस्टीनियन की कॉन्फ्लिक्ट। इसराइल पैलेस्टीनियन की कॉन्फ्लिक्ट को इस वीडियो में मैंने दो हिस्सों में बांट रखा है। पहला जो हिस्सा है वो हिस्सा डील करेगा इसकी इतिहास को लेकर के, और जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट डील करेगा इसकी करंट एस्पेक्ट को देखकर। इसमें एंटायर पीडीएफ के फॉर्म पे आपको मैं ये आप देख पा रहे होंगे, इसके नोट्स मैंने बना रखे हैं। इस पूरे नोट्स को मैं पीडीएफ के इंस्टाग्राम के लिंक शेयर कर दूंगा, और मेरा जो इस चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ूंगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। मुझे इसमें से रेफरेंस के लिए लेना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक जो है वेल रिसर्च है और काफी डिटेल में है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का शुरुआत इससे करते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीनियन की जो एंटायर एरिया है, पैलेस्टीनियन ये इसराइल एरिया को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कोई उसको कहता है इट्स अ होली लैंड, कोई उसको लेवांट के नाम से बोलता है, कोई उसको बोलता है कि वो पैलेस्टीन का एरिया है, कोई उसको बोलता है कि ये एक प्रॉमिस्ड लैंड है। तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे क्योंकि इन्हीं नाम, इन्हीं जार्गन्स का प्रयोग अलग अलग न्यूज़पेपर्स में होता है। तो अगर आप इन नाम से वाकिफ रहेंगे तो आप न्यूज़ जब पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर या न्यूज़ पे देख रहे होंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस लोकेशन के बारे में बात हो रही है। दिस इज नंबर वन। दूसरी बात यह है कि शुरू करते हैं कि इसकी जो ओरिजिन, जो इसकी कॉन्फ्लिक्ट की ओरिजिन है वो कहाँ से है। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, ये जो एरिया है, ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है इसके, इसकी एक मैप है जो आपको वीडियो के एंड में आपको दिखाई देगी। तो इसका जो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन एक समय पे क्रिश्चियंस के हाथ पे हुआ करती थी। द एंटायर यूरोप यूज्ड टू हैव द कंट्रोल, द क्रिश्चियन यूज्ड टू हैव द कंट्रोल ओवर दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। लेकिन हुआ ये कि 1453 में तुर्की लोगों ने इस एरिया को कब्जा लिया, और टर्क्स जो हैं उस एरिया को कब्जाने के बाद एक नया एम्पायर खड़ी कर दिए जिसका नाम बना ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर स्लोली स्लोली बड़ा होता रहा, तकरीबन 500 से 550 साल तक ऑटोमन एम्पायर उस एरिया पर राज करता रहा। स्वाभाविक रूप से यूरोप के लिए और क्रिश्चियंस के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई, कई सारे क्रिश्चियंस जो है वहां पर रिफ्यूज ले लिया और वहां से रिफ्यूजी की तरफ वेस्ट यूरोप की तरफ भाग गए। लेकिन 19th सेंचुरी, अब प्रिसाइसली लेट 19th सेंचुरी के आसपास पूरे यूरोप में जो है एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो है वो ग्रो करने लगी। पूरे अलग अलग यूरोप के छोटे छोटे देश जो है अल्टीमेटली मिलकर यूनिफाइड होने लगे टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, अ न्यू नेशन। और ये जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी, ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो है ये पूरे यूरोप में आपको दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल, यूनिफिकेशन ऑफ इटली इसी समय पे हो रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इसी समय पे हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है, अगर इतने सारे देश यूनिफाइड हो रहे हैं, इतने सारे देश अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म के या नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करके एक नया नेशन बना रहे हैं, तो ज्यूइश कंट्री भी क्यों पीछे रहे, ज्यूइश के लोग भी क्यों पीछे रहे। तो इस संदर्भ में एक ज़ियोनिस्ट मूवमेंट शुरू होती है। ज़ियोनिस्ट मूवमेंट का पर्पस क्या है? ज़ियोनिस्ट मूवमेंट का पर्पस यह है कि किस तरीके से हम एक इसराइल देश को ज्यूज की कंट्री बना सके, एक ऐसी जगह बना सके जहां पे सिर्फ ज्यूज रहेंगे। दिस विल बी अ ज्यूइश कंट्री इसराइल। इस संदर्भ में अलग अलग जगह से, जहां जहां पे ज्यूज के ऊपर अत्याचार होते थे, उन तमाम जगहों से ज्यूज के लोग जो है वो इसराइल की तरफ बढ़ने लगे। ज़ियोनिस्ट मूवमेंट का एक ये भी था कि चलो दे हैव डिसाइडेड कि इसराइल इज द सेफेस्ट एरिया फॉर देम, और घर वापसी की तरह ये लोग अलग अलग जगह से इसराइल की तरफ बढ़ने लगे, एक माइग्रेशन का वेव दिखने लगा। इसके बाद होता क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश या अंग्रेज जिसको हम कहते हैं, इसके तो अलग अलग जगह पे कॉलोनीज थे, अलग अलग जगह पे इसने अपने हाथ पैर फैला रखे थे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
तो इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था आर्थर बैल्फर, तो आर्थर बैल्फर साहब क्या करते हैं, एक डिक्लेरेशन को पास करते हैं जिसका नाम था बैल्फर डिक्लेरेशन। ध्यान से सुनिएगा, ये बैल्फर डिक्लेरेशन है जिसने नींव रखी इसराइल और पैलेस्टीन के क्वारल के बीच में। इसमें ये कहा गया, जहां इस बैल्फर अग्रीमेंट में अंग्रेजों ने क्या करा, बहुत ही होशियारी के साथ उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन पे खेल खेला। एक तरफ इस बैल्फर डिक्लेरेशन में अंग्रेजों ने ज्यूइश पीपल से, ज्यूज से ये कहा कि पैलेस्टीन तुम्हारा जगह है, पैलेस्टीन तुम लोगों के लिए एक देश बनना चाहिए, ये इन्होंने ओपनली डिस्क्लोज किया। लेकिन अंदर ही अंदर अंग्रेजों ने एक अग्रीमेंट, एक सीक्रेट अग्रीमेंट साइन कर रखी थी विद फ्रांस एंड रशिया। फ्रांस और रशिया के साथ जो अग्रीमेंट साइन कर रखी थी उसके तहत इन लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि एंटायर एरिया, ये बड़े बड़े पावर्स फ्रांस रशिया इंग्लैंड, ये किस हिसाब से अपने आपस में बांटेंगे। तो अंग्रेज के दिमाग में ये था कि पैलेस्टीन जो है ये अंग्रेज खुद के लिए चाहते हैं, लेकिन ओपनली बता रहे हैं क्या कि यानी ये पैलेस्टीन जो है वो ज्यूज को दिया जाएगा। और तीसरा खेल उन्होंने ये खेला कि उन्होंने अरब्स को बोला कि पैलेस्टीन साहब हम आपको दे देंगे लेकिन आप जो है ऑटोमन्स के खिलाफ खड़े हो जाइए। तो मतलब कि एक ही एरिया को अपने लिए मानकर सब मन ही मन रखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर ये मेरा ही होगा, इस पे मेरा कंट्रोल रहेगा, लेकिन ओपनली हम डिस्क्लोज कर रहे हैं एक तरफ कि नहीं ये ज्यूइश का लैंड बनाएंगे जिससे ज्यूइश लोग बड़े खुश हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अरब्स को भी भड़का रहे हैं ताकि वो लोग ऑटोमन्स के खिलाफ लड़ सके। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो है ये बैल्फर अग्रीमेंट या बैल्फर डिक्लेरेशन में दी गई थी। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है स्वाभाविक रूप से जो ऑटोमन एम्पायर बुरी तरह से हार जाता है, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू द बैल्फर एग्रीमेंट बैल्फर डिक्लेरेशन तमाम एरिया से ज्यूज जो है वो इस पैलेस्टीन में प्रवेश करना शुरू करते हैं, मास माइग्रेशन होती है एज पर द बैल्फर डिक्लेरेशन। जिस पैलेस्टीन में लगभग 3 से 3.5% ज्यूज थे उस समय आफ्टर दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वहां पे पॉपुलेशन इनकी 30% से अधिक हो जाती है। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बैल्फर डिक्लेरेशन। अब इन्होंने खेल क्या किया, इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर आए अंग्रेज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरफ से अरब्स को भड़काया ज्यूज के प्रति और दूसरी तरफ ज्यूज को भड़काया अरब्स के प्रति, और खुद शासन काल में रहे बने रहे, ठीक इन्होंने जैसा इंडिया के साथ किया था। इंडिया के साथ भी इन्होंने धर्म के बेसिस पे ही लोगों को लड़वाया, यहां पे भी वो यही कर रही है, इन्फेक्ट कर चुकी है। और फिर इन्होंने क्या करा कि जैसे डेमोग्राफिक्स में बदलाव आया पैलेस्टीन में, जैसे ज्यूज की पॉपुलेशन बढ़ती रही, उनकी डेमोग्राफी बढ़ती रही, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने उन लोगों को इंस्पायर किया, इंस्टिगेट किया कि आप अपनी जगह बढ़ाइए। और ज्यूज पीपल क्या करने लगे, ये ऑलमोस्ट एविक्शन पे आ गए, ये पैलेस्टीनियन के लोकल अरब्स को एविक्ट करने लगे, निकाल बाहर करने लगे, खदेड़ने लगे और अपने एरियाज को बढ़ाने लगे। इन्होंने लैंड बाय करना शुरू करा और स्लोली स्लोली ये प्रोसेस इतना ग्रेव होता जा रहा था कि 1936 में जो लोकल पैलेस्टीनियन थे वो एक युद्ध के लिए खड़े हो गए। दे स्टार्टेड रिबेलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट दिस ब्रिटिश मैंडेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द पैलेस्टीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो भी हो रहा था। जैसे ये रिवॉल्ट शुरू हुआ, ये रिवॉल्ट शुरू होने के बाद ज्यूइश पीपल को लगा कि यार ये तो लड़ाई में शुरू होने वाली है बिटवीन द अरब्स एंड द ज्यूइश। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि यार ये तो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। अंग्रेजों को क्या लग रहा है, देखिए समझने की कोशिश करिए, अंग्रेज बेसिकली इन बिटवीन खेल रहा है। अब अंग्रेज की मैंडेट के अनुसार ज्यूइश पीपल ने पैलेस्टीनियन अरब्स को निकाल बाहर किया था। अब एक मोमेंट ऑफ टाइम सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब अरब्स लोग जो है ज्यूइश के खिलाफ लड़ने शुरू करते हैं या अंग्रेज के मैंडेट के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, रेबल करना शुरू करते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने एक ज्यूइश मिलिशिया ग्रुप फॉर्म की और ज्यूइश मिलिशिया ग्रुप को खड़ा कर दिया सामने कि भाई तुम जाकर लड़ो। किससे, अरब से। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये जगह तुम्हारी ही है एज पर द बैल्फर डिक्लेरेशन, और वैसे भी तुम लोगों ने जमीन हड़पी है इन लोगों की, वैसे भी तुम लोगों ने इन लोगों को खदेड़ा है, हमने तो सिर्फ मदद करी है। तो डायरेक्ट भीड़ में कौन गए, एक तरफ से गए ज्यूइश मिलिशिया विच वॉज एडेड बाई द ब्रिटेन और दूसरी तरफ लोकल पैलेस्टीनियन अरब्स। यहां तक बात चल रही थी। अब होता क्या है इसके बाद कि जैसे तैसे ज्यूइश पीपल जो है, ज्यूइश मिलिशिया जो कंट्रोल करने में सक्सेसफुल टू अ सर्टेन एक्सटेंट रहती है, लेकिन इससे एक लेसन मिलता है अंग्रेजों को कि अगर हमने इसी तरह से ज्यूइश का साथ देते रहे तो हो सकता है कि हम इस बैलेंस को मेंटेन ना कर पाए, और अगर बैलेंस मेंटेन नहीं होगा बिटवीन द अरब्स एंड इजराइल तो शायद हमारा रूल करना इजराइल के ऊपर या पैलेस्टीन के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने एक एक्ट ऑफ रिकंसिलिएशन खेला, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगा दी इजराइल के माइग्रेशन के लॉज के ऊपर, जिससे उन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि इस रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज करने से शायद अरब्स जो है वो उनकी तरफ थोड़ा सा जो है ओबीडियंस दिखाएंगे। लेकिन ये जो स्टेप ऑफ एक्ट ऑफ रिकंसिलिएशन था ये बहुत भारी पड़ने वाला था अंग्रेजों को, क्योंकि ये जो एक्ट ऑफ रिकंसिलिएशन था इसको ज्यूइश पीपल ने बहुत अच्छे ढंग से नहीं देखा, स्वाभाविक रूप से नहीं देखा। इसके बाद शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
आप चेन ऑफ इवेंट्स को समझिएगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है और सेकंड वर्ल्ड वॉर हम सबको पता है यूरोप में हॉलोकॉस्ट हुआ है, ज्यूज के साथ जेनोसाइड्स हुआ है तादाद पे, मतलब कि 40-45 लाख ज्यूज को मार दिया गया गैस चैम्बर्स में, तो और पूरे यूरोप में, ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्मनी में हो रहा है। तो इन सब सबसे इन सब इंसिडेंट से, सब खतरनाक दिल दहलाने वाली गैस चैम्बरों की कहानी से सारे ज्यूज को लगने लगा कि पैलेस्टीन फिर से एकमात्र जरिया है उनके बचने का, बाकी पूरे यूरोप में आप कहीं पे भी चले जाओ आप लोग नहीं बच सकते, तो पैलेस्टीन एकमात्र जगह है या इसराइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए। तो हुआ ये कि जब अल्टीमेटली जब ये क्राई उठी इजरायली को द्वारा कि नहीं हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, एक नेशन चाहिए एज इजराइल फॉर द ज्यूइश, तो बात उठी यूनाइटेड नेशन में और अल्टीमेटली 1947 यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास करा जिसके अनुसार इजराइल बना, एक कंट्री बना, और इजराइल जो कंट्री बना उसको यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन के साथ दो हिस्सों में बांटा, एक तरफ उन्होंने अरब्स को रखा, पैलेस्टीनियन अरब्स को रखा, और दूसरी तरफ रखा ज्यूज को, और जो जेरूसलम एक जगह है उसको रखा इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर। अब बात को समझिएगा, एंटायर एरिया में एक तरफ है वेस्ट बैंक और दूसरी तरफ है गाजा स्ट्रिप। जो गाजा स्ट्रिप है उस समय एज पर यूएन रेजोल्यूशन गाजा स्ट्रिप पे इजराइल का कंट्रोल है और वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल का भी कंट्रोल है, पैलेस्टीनियन का भी कंट्रोल है। मतलब एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां आप चलते चलते 2-4 किलोमीटर के बाद आप किसी और देश में, फिर 2-4 किलोमीटर के बाद आप किसी और देश में घूमते फिरते रहेंगे। अभी अजीब बात है कि इस तरह से कैसे संभव हो सकता है। जब 1947 में इसराइल बन गया तो ये एक साल भी नहीं टिका और 1948 में अरब और इसराइल की लड़ाई हो गई। इसमें एंटायर अरब कंट्रीज, बीट सीरिया, बीट इजिप्ट, बीट इराक, जॉर्डन, इस तमाम देश मिलकर जो है इसराइल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करा और लड़ाई घोषित कर दी। इनफैक्ट गाजा स्ट्रिप जो है वो इसराइल के हाथों से छीन ली गई और ये चला गया आपके इजिप्ट के हाथों में। सिमिलरली वेस्ट बैंक भी जो है जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। अब जब ये अरब और इसराइल की फाइट कंप्लीट हो गई 1948-49 में, तो 1967 में फिर से एक 6 दिन की युद्ध हुई, 6 दिन का 6 days वॉर हुआ और इस 6 days वॉर में आप यकीन नहीं मानेंगे एंटायर अरब कंट्रीज को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इसराइल ने जितना जमीन हड़पा था उससे ट्रिपल अपना एक्सपेंशन कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन और इजिप्ट से छीन नहीं लिया बल्कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने गोलान हाइट्स भी कब्जा लिया, उन्होंने सिनाई पेनिनसुला भी कब्जा लिया जो कि अल्टीमेटली इजिप्ट का पार्ट था सिनाई पेनिनसुला। तो इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन को बहुत क्रशिंग डिफीट का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या होता है कि 1973 में एक और युद्ध होती है और उस युद्ध का नाम है योम किपुर वॉर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो योम किपुर वॉर है 1973 का, इसमें इजिप्ट सीरिया के साथ फिर से इजराइल की फाइट होती है और अल्टीमेटली दोनों तरफ के लोगों का नुकसान होता है, लेकिन अल्टीमेटली इजराइल जो है वो काबू पा लेती है सीरिया और इजिप्ट पे। लेकिन इसराइल काबू तो पा लेती है लेकिन इन लोगों को पता चल जाता है, मतलब कि इजिप्ट को पता चल जाता है कि यार इस इसराइल के साथ कंटिन्यूएशन में लड़ाई नहीं किया जा सकता क्योंकि फिर अपना नुकसान है। तो होता यह है कि इजिप्ट के लोग और इसराइल एक डील साइन करते हैं, एक अकॉर्ड साइन करते हैं कि भैया बहुत हो चुका लड़ाई, और उस अकॉर्ड का नाम है कैंप डेविड अकॉर्ड। ये कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 में पास होती है, लोग साइन करते हैं और इसके अनुसार दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। सबसे पहली बात यह होती है कि जो इसराइल को इजिप्ट रिकॉग्नाइज करती है एज ए इजरायली ज्यूज स्टेट, जो कि एक बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप पढ़ेंगे आगे चल के हमारी क्लासेस में कि रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट इज एन एसेंशियल पार्ट। तो पहली बार इसराइल को एक ज्यूज स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करती है कौन, इजिप्ट, एज पर द कैंप डेविड अकॉर्ड। और दूसरी तरफ बदले में इसराइल क्या देता है इजिप्ट को, वो उसका सिनाई पेनिनसुला रिटर्न कर देता है। और जैसे ही अग्रीमेंट या अकॉर्ड साइन होता है तो अन्य अरब कंट्रीज भी जो हैं स्लोली इसराइल को रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं और मामला थोड़ा सा स्टेबलाइज कंडीशन में आता है बाय 1978-79। और ये अच्छा खासा स्टेबलाइज, बड़े लेवल पे कोई वॉर नहीं हो रहा है, छोटे मोटे वॉर चल रहा है लेकिन बड़े लेवल पे सब कुछ स्टेबल हो रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर कम्यून या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी जो अभी भी इंडिपेंडेंट अरब पैलेस्टीन का सपना देख रही थी, उस ग्रुप का नाम था PLO, Palestinian Liberation Organization। ये जो PLO है इसने अपना ख्वाब देखना बंद नहीं किया था, इसने अपनी पॉलिटिकल और टेरर एक्टिविटीज कंटिन्यू रखी अगेंस्ट इजरायली। और यहां से एक फर्स्ट इंतिफादा शुरू होते हैं। इंतिफादा इसे अरबिक वर्ड, आप आसान भाषा में समझिए, रेबेलियन, एक अपराइजिंग शुरू होती है। ये जो फर्स्ट अपराइजिंग या इंतिफादा शुरू होती है, ये शुरू होती है 1987 में और ये 1987 से 1993 तक चलती है।
इसमें अनगिनत खून अत्याचार होता है दोनों तरफ के लोगों के साथ। 100 के ऊपर ज्यूइश मारे जाते हैं, 1000 के ऊपर पैलेस्टीनियन अरब्स मारे जाते हैं। लेकिन इस नरसंहार में एक फैनेटिक ग्रुप उभर के सामने आती है, जिस ग्रुप का नाम था हमास। हमास जब सामने आती है तो हमास गाजा स्ट्रिप को अपना टारगेट बनाती है, गाजा स्ट्रिप को अपना टारगेट बनाती है। लेकिन ये जो फर्स्ट इंतफादा है, ये अल्टीमेटली खत्म होती है विद एन ऑस्लो अकॉर्ड। ये ऑस्लो अकॉर्ड जो बेसिकली होती है, ये वाशिंगटन में साइन होती है। ऑस्लो अकॉर्ड होता किसके बीच में है? ऑस्लो अकॉर्ड होता है पीएलओ और इजरायली के बीच में। इसमें अग्रीमेंट ये होता है पीएलओ और इजरायल के बीच में कि पीएलओ को इजरायल मानेगा कि ये पीएलओ एकमात्र पैलेस्टीनियन अरब्स का रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरी तरफ पीएलओ क्या देगा इजरायल को? ना, पीएलओ भी जो है इजरायल को ज्यूइश का स्टेटहुड रिकॉग्नाइज करेगा। अब तक नहीं कर रहा था ना, अब करेगा। लेकिन यहां पर ऑस्लो अकॉर्ड जो है ये कंटिन्यूएशन में अपने इस पीस प्रोसेस को नहीं रख पाती है, जो पीस प्रोसेस ये सस्टेनेबल नहीं रहती। और वेरी सून इन 2000 एक सेकंड इंतफादा स्टार्ट होती है। और ये यकीन मानिए आप, ये सेकंड इंतफादा जो है वो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें और ज्यादा लोग मारे जाते हैं बोथ साइड्स। लेकिन सेकंड इंतफादा के बाद कुछ चेंजेस आती हैं एंटायर पॉलिटिक्स में। एंटायर पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स जो है अब वो राइटिस्ट की तरफ मूव करने लगती है। ये ज्यादा एग्रेसिव बन जाती है और ये अब से कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के बजाय उसको कंट्रोल करने के पीछे ज्यादा दिमाग लगाती है, वो उसको मैनेज करने के पीछे ज्यादा दिमाग लगाती है। लेकिन एक चीज जो सेकंड इंतफादा के बाद हुआ वो ये है कि जो गाजा स्ट्रिप है, वो गाजा स्ट्रिप कंप्लीटली हमास के कंट्रोल में आ जाती है। इसराइल को वहां से जाना पड़ता है। यस, इसराइल हैज टू लीव गाजा और वो अल्टीमेटली कंट्रोल में आ जाती है हमास के। लेकिन ये बात इसराइल जो है इतनी आसानी से हजम करने वाला देश नहीं है। तो उसने क्या किया कि अगर ये गाजा स्ट्रिप है तो चारों ओर इसने ब्लॉकेज लगा दिए ताकि वहां के लोग जो है वो पानी के लिए तरसे, एसेंशियल आइटम्स के लिए तरसे। लेकिन हमास भी कमजोर नहीं, तो उसने क्या करा, उसने अंदर हमास से लेकर इसराइल के चारों तरफ रॉकेट्स बिछाने शुरू कर दिए। रॉकेट्स पर रॉकेट्स वो मतलब अटैक्स शुरू हो गया, हजारों की तादाद में लोग मारे गए। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बमबारी और रॉकेट एयर स्ट्राइक्स हो रही थी बिटवीन गाजा एंड वेस्ट बैंक इसराइल, इसमें सिविलियंस की मौत बड़ी हो रही थी। पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके इस चीज को लेकर काफी कंसर्न था। अल्टीमेटली जो बमबारी गाजा और इसराइल के बीच में होती रही, ये 2008 से 2014 तक चली। उसके बाद सिचुएशन में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ गई, एक स्टेटस को आ गया। कहने की बात यह है कि एक समय पर लोगों को लगा कि अब ये दोनों देशों के साथ होगा क्या, वॉट इज द सोल्यूशन? क्या पैलेस्टाइन अपने हक के लिए ऐसे ही लड़ता रहेगा? क्या इसराइल उनके साथ ऐसे ही ट्रीट करता रहेगा? और ये पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में से अचानक से ये फनेटिक हमास ग्रुप कहां से उभर के सामने आ गया है और ये कब तक ऐसा नरसंहार चलता रहेगा? तो ये कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में सबके थे। सोल्यूशन कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे अगर दोनों देश, पैलेस्टाइन और इसराइल, दोनों देश अगर एक दूसरे के नैरेटिव्स को समझने की कोशिश करें, बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एक यही सब तरीका है। आप या तो कंट्री को डिवाइड कर लें, लेकिन ये स्टेटस को मेंटेन करते हुए जब बातचीत चल रही थी तो 7 मई 2021 को एक नई घटना घटती है और इस नई घटना के तहत ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है ये दोबारा से रिवाइव होता है। यस माय फ्रेंड्स, 7 मई 2021 एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्या हुआ यहां पे? हुआ ये है कि जेरूसलम जो वेस्ट बैंक के अंदर है, जिसमें अरब पॉपुलेशन भी है, ज्यूइश पॉपुलेशन भी है, जिसमें ईस्टर्न साइड में ज्यूइश पॉपुलेशन नहीं बल्कि अरब्स है, जेरूसलम के ईस्टर्न साइड में अरब्स है। अब होता यह है कि जो अरब्स, ये जो मुस्लिम्स जेरूसलम के ईस्टर्न साइड में हैं, वहां पे एक लॉ पास करा जाता है इजरायलियों के द्वारा और वहां पे पैलेस्टीनियों को एविक्ट किया जाता है, जबरदस्ती उनको वहां से निकाला जाता है। सेम दैट हैपेंड वे बैक इन 1967। तो जब यह हो रहा होता है तो पैलेस्टीनियन लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगता है और दी प्रोटेस्ट खतरनाक लेवल पे आ जाता है जब इजरायली पुलिस फोर्स अटैक करती है और दोनों साइड में काफी ज्यादा इंजरीज होती है। ये प्रोटेस्ट हुआ है 7 मई 2021 को। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऑन 10 मई इजरायली पुलिस को समहाउ इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां पे एक मॉस्क है, एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा। अल अक्सा एक मॉस्क है जहां पे कुछ लोग पत्थर लेकर के इजरायली फोर्स के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है, ऐसी खबर मिलती है। तो होता क्या है, जैसे बहुत साल पहले 1980s में इंदिरा गांधी ने एक बड़ी गड़बड़ी कर दी थी, उन्होंने आर्मी या पुलिस पर्सनल आर्मी को भेज दिया था इन द गोल्डन टेम्पल अंडर द ब्लू स्टार ऑपरेशन। सिमिलरली यहां पे ऐसा कुछ हुआ है, यहां पे इजरायली फोर्स जो है अल अक्सा मस्जिद में घुस गई है और वहां घुसने के बाद पैलेस्टीनियों पे रबर से फायरिंग करी है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया।
ये बात सुनकर जैसे ये बात सामने आई तो हमास जो नीचे गाजा स्ट्रिप में बेचारा बैठा हुआ था कुछ दिनों से काफी सालों तक चुप था, उसको मौका मिल जाता है अपने आप को बताने की कि सर मैं भी हूं प्रेजेंट इस पूरे युद्ध में। तो हमास का लीडर वहां से कहता है वेस्ट बैंक में जेरूसलम में इजरायली को कि जो तुमने अरे हरकत करी है मॉस्क में घुसने की, ये तुम अभी और इसी वक्त अगर मॉस्क से नहीं निकल के आते हो तो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो हमास ने इजरायली को एक अल्टीमेटम दे रखा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस अल्टीमेटम पे इजरायल मानता है कि नहीं मानता, इसके लिए समय भी नहीं दिया जाता है। विद इन फ्यू आवर्स थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स हमास से निकलते हैं इन दिस डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट बैंक अगेंस्ट द इजरायली। अब इजरायली के पास थैंकफुली एक आयरन डोम बना हुआ है, लेकिन फिर भी अटैक्स शुरू हो जाता है जेरूसलम पे। अब इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, इसको रोकने के लिए इजरायलों ने भी तकरीबन 130 के ऊपर एयर स्ट्राइक करे हैं गाजा पे, जिसके वजह से क्या हुआ है फिर से 40 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए हैं, उसमें से 8 या 9 तो बच्चे हैं, उसमें से एक इंडियन भी है। तो फिर से ये जो जंग शुरू हुई है ये इस एरिया को लेकर हुई है जिस एरिया से इनको निकाला जा रहा था इस जेरूसलम से। उस एरिया का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेख जर्रा। तो शेख जर्रा से इन लोगों को एविक्शन करने की वजह से ये पूरा का पूरा मामला शुरू होता है। जो यूरोपियन यूनियन कहती है कि ये जो लॉ है इस लॉ के थ्रू से आपने जो ह्यूमैनिटेरियन एविक्शंस कराए हैं ये एब्सोल्युटली इलीगल है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन की जो कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है इन्होंने भी बहुत क्लियर तौर पे कहा है कि ये जो लॉ है इजरायलियों का ये एब्सोल्युटली डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन जो भी कहे ये सब तो बॉडीज ऐसे हैं इंटरनेशनल बॉडीज जो कि सिर्फ परसुएसिव बॉडीज हैं। आगे चल के इनके साथ क्या होने वाला है, आगे इस इशू में क्या होगा, क्या हम लोग वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस का ही इस्तेमाल करेंगे, क्या इंटरनेशनल बॉडीज के प्रेशर में आके कोई सोल्यूशन निकलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आई होप ये इशू आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इशू समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, काफी एनकरेजमेंट मिलती है इससे। और इसके पूरे की पूरी जो नोट्स है इसकी लिंक जो है इसके आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। कीप सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।